हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएसएम 11 वर्सेस हेमंत प्रॉपर्टीज़ के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैच है अभी भी स्टार्ट होने में लगभग 2.5 घंटा बचे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी लाइव टीम बना के दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर विकेट कीपर पर आपको कौन सा प्लेयर बेहतर है, उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंड बैट्समैन में यहाँ पर कौन सा प्लेयर बेहतर होगा, ऑलराउंडर पर यहाँ पर किसको पिक करने से अच्छा होगा, और गेंदबाजी में यहाँ पर कितने बॉलर्स तक हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर विकेट टेकर बॉलर कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है दोस्तों। टेलीग्राम पर जाकर आप @शत्रुघ्न225 जाके सर्च कीजिएगा, सर्च करते आपको मेरे चैनल्स हो जाएगा दोस्तों, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। 1041 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और प्रोसेस है दोस्तों, शत्रुघ्न चौबे भी आप जाके सर्च करेंगे तो मेरे चैनल्स हो जाएगा। लेकिन कुछ दिक्कतें ये हैं कि दोस्तों, कुछ यूजर्स ने मेरे नाम पे फेक चैनल बनाए, उससे आप दूर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आप उससे दूर रहेंगे तो आप ही को फ़ायदा बनेगा। क्योंकि दोस्तों, वो लोग आपको फेक टीम देंगे और फेक स्क्रीनशॉट बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड लीग विनिंग स्क्रीनशॉट बनाएंगे। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है मेगा ग्रैंड लीग जीतना, उसको जीतने के लिए बहुत स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके बाद आपको पैसे मांगेंगे दोस्तों पेड टीम के लिए। तो उससे दूर रहिएगा, आप दूर रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप चीटिंग पे मत फंसना, क्योंकि 10,000 5,000 वो भी पैसे आप अगर फंस जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पर 1041 यूजर जो चैनल दिख रहा है दोस्तों, यही मेरा चैनल है। 1050 60 1100 हो सकते हैं, 1030 पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर नीचे होगा, लेकिन 1K प्लस जो चैनल नज़र आएगा, इसी को ज्वाइन करना है दोस्तों। फाइनल टीम जो भी अपडेट होगा आपको इसी प्रकार मैं एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों, पूरे लाइव यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, यहीं पर आपको मैं फाइनल टीम देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग विकेट कीपर को पिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इतने 5 विकेट कीपर्स है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ विकेट कीपर्स को पिक किए हैं, तो चलिए दोस्तों उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, ये जो मैच है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका, हेमंत प्रॉपर्टीज़ वर्सेस पीएसएम 11 के बीच में खेला जाएंगे। ये मैच 9:30 बजे रात को आपको बता चुका, लेकिन वेन्यू के बारे में जान लीजिएगा दोस्तों। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएंगे। अगर स्कोर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 100 से 120 रन तक बन सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर विकेट कीपर को पिक करेंगे। दोनों टीम के प्लेयर्स के स्टैट्स एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर पहले देख लीजिएगा, पहले हम लोग बात करेंगे दाऊद एजाज की बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक मैच खेले, 0 पे आउट हो गए। अगर यहाँ पर रिसेंट इनकी जो ओवरऑल स्टैट्स देखा जाए तो 15 मैच में दोस्तों 456 रन है। हरुण अतलप ने लास्ट मैच में 12 रन बनाए। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दोनों विकेट कीपर एक्सपीरियंस है, इसलिए यहाँ पर दोनों को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो यहाँ पर मैं दोनों को ले रहा हूँ यहाँ पर अपने टीम में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन में किसको लेना चाहिए डाउट आ सकता है आपको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन भी आपको मैं पिक करके दिखा दूंगा। तो पहला जो बैट्समैन मैं पिक करने जा रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है मोहम्मद अदनान खान। अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच में ये प्लेइंग 11 में थे, लेकिन इनको बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला दोस्तों, इसलिए मैं वहां पर हैश रखा। अगर वो नहीं खेलता तो नॉट प्ले करके लिखूंगा दोस्तों वहां पर। इनका ओवरऑल स्टैट्स आप देख लीजिए, 32 मैच में 434 रन और 14 विकेट लें, तो अच्छे स्टैट्स है दोस्तों। 32 मैच में रन थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर विकेट्स भी कम है, लेकिन इनको आप ऑलराउंडर के रूप में लेके आप खेल सकते हो। उसके बाद दोस्तों, कमर अवान की बात करें, लास्ट मैच में यहाँ पर देखा जाए तो 40 रन बनाए, 2 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों। यहाँ पर जेसन अकमल की बात करें, 0 रन बनाए और 1 ओवर गेंदबाजियों के कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर गुलरेज यासिन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर इनकी स्कोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 64 मैच में 706 रन और 44 विकेट है। तो यहाँ पर गुलरेज यासिन को यहाँ पर आपको पिक करना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राकेश रावत की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो 25 रन बनाए। शकीब अशरफ यहाँ पर 7 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद ऋषभ खारी की बात करें, 4 रन बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैं बताने वाला, यहाँ पर आपको मोहम्मद अदनान खान को लेना है दोस्तों, कमर अवान, उसके बाद गुलरेज यासिन को आप यहां पर तीनों को आप कंफर्म कर सकते हो। यहां पर मोहम्मद अदनान खान, कमर अवान और गुलरेज यासिन है दोस्तों। यहां पर कमर अवान के यहां पर ले रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद अदनान खान है दोस्तों यहां पर। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों, यहां पर गुलरेज यासिन है, इनको मैं यहां पर कंफर्म कर रहा हूं। गुलरेज यासिन की बात करें, स्कोर देख सकते हो दोस्तों यहां पर, इनकी ओवरऑल स्टैट्स अच्छा है, 64 मैच में 706 रन और यहां पर विकेट्स है, इसलिए इनको मैं ले रहा हूं। आप चाहे तो दोस्तों यहां पर अशरफ आप किसी को भी ले सकते हो, जीशान अकमल भी एक अच्छे प्लेयर, आप चाहे तो ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं 3 बैट्समैन को यहां पर मैंने पिक कर लिया। अब दोस्तों, यहां पर ऑलराउंडर्स पे फोकस करूंगा,
ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर चलिए ऑलराउंडर को यहाँ पर लाइव बना रहे हैं। यहाँ पर पहला जो प्लेयर है दोस्तों अब्दुल्ला अजहर है, इनकी बात करें लास्ट मैच में दो और गेंदबाजी को कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों, यहाँ पर 21 रन बनाए। उसके बाद अब्दुल्ला हफीज अफरीदी की बात करें 6 रन बनाए, दो ओवर में एक विकेट लिए दोस्तों। यहाँ पर मोबिन कादिम की बात करें, यहाँ पर एक ओवर में कोई विकेट नहीं मिला। उसका मोइज वाकर की बात करें 3 रन बनाए, दो ओवर में एक विकेट लिए दोस्तों। यहाँ पर अंकित शर्मा 0 पे आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों अमित नेगी, एक ओवर में कोई विकेट नहीं, एक रन बनाया। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर किसी के भी स्टैट्स खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको तब भी मैं 2 से 3 ऑलराउंडर प्रेफर करूंगा, अब्दुल्ला अजहर, अब्दुल हफीज अफरीदी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबिन कादिम है, मोइज वाकर, इन चारों में से 2-3 को ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पिक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद वाकर को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अब्दुल्ला अजहर को भी यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये अफरीदी है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 8 प्लेयर्स पूरे पिक करने हैं। अब यहाँ पर गेंदबाजों पे फोकस करना है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजों को भी पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें, पहला जो बॉलर है दोस्तों यहाँ पर इरशाद हुसैन है, अगर इनकी बात करें एक ओवर में कोई विकेट नहीं है। अली अफरीदी ने एक ओवर में कोई विकेट नहीं लिया। जॉर्डन सैमुअल की बात करें, प्लेइंग 11 में थे लेकिन इनको यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला। ताह अहमद की बात करें दोस्तों 3 रन बनाए और दो ओवर गेंदबाजी के दोस्तों एक विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर फुरकान सौफिक्यू की बात करें, एक ओवर में कोई विकेट नहीं, 2 रन बनाए। और यहाँ पर मोहम्मद फरहान की बात करें, 2 ओवर में एक विकेट है। और यहाँ पर कृष्णन बाला सुब्रमा की बात करें, 2 ओवर में 2 विकेट है। तो यहाँ पर मोहम्मद फरहान, कृष्णन बाला सुब्रमा, यहाँ पर उसके बाद इरशाद हुसैन है दोस्तों, यहाँ पर ताहा अहमद है। तो बॉलिंग में तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पर पिक कर लेते हैं मोहम्मद फरहान और यहाँ पर के बाला सुब्रमा, इन दोनों को मैंने पिक कर लिया दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो ताहा अहमद को यहाँ पर अपनी टीम में मैंने कन्फर्म किया। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा टीम तो बन गया। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, आपको किसको लेना चाहिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में तो बहुत सारे प्लेयर्स रेस में दोस्तों यहाँ पर, क्यों अवन के यहाँ पर क्यों है कि इनकी एक्सपीरियंस है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे स्टैट्स हैं, इसलिए यहाँ पर अवन को यहाँ पर ज़्यादा रेशियो दिए हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन पे। उसके बाद यहाँ पर बाला सुब्रमा लास्ट मैच में देखा जाए तो दोस्तों 2 विकेट लें, आप चाहे तो ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अफरीदी के साथ जा रहा हूँ इस मैच के लिए, तो यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन अफरीदी को मैंने बनाया। तो एक बार टीम अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर विकेट कीपिंग पे एजाज और अतलफ है। उसके बाद बैटिंग पे अदनान खान, अवन और यासिन है दोस्तों यहाँ पर। ऑलराउंडर्स पे मोहम्मद वाकर, मोहम्मद अजहर और यहाँ पर अफरीदी है। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद फरहान, ताहा अहमद और बाला सुब्रमा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर अवन और यहाँ पर ये अफरीदी है। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन को बताने के बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा दोस्तों, 5 मिनट पहले दोस्तों आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टीम बना के रख लोगे तो यहाँ पर लास्ट 5 मिनट पहले आपको 1 से 2 प्लेयर अगर कोई भी चेंज होता है, लाइनअप से मिस होता है दोस्तों, तो मैं स्टैट्स देख के, बाकी प्लेयर के स्टैट्स देख के आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे इस प्रकार अपडेट कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसी प्रकार आपको फाइनल टीम में टेलीग्राम पे देने वाला हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।